फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ रेस थ्री के बारे में और उसके फर्स्ट सॉन्ग के बारे में। जी हाँ, हाल ही में अनाउंसमेंट हो चुका है कि इसका फर्स्ट सॉन्ग कब आने वाला है। मुझसे आई थिंक सुबह से ही कई सारे लोग पूछे कि यार सूर्य भाई, ट्रेलर तो आ गया, काफ़ी इंतज़ार था हमें, अब सॉन्ग कभी आ गया आएगा। तो मैंने सभी को यही कहा था कि सॉन्ग एटलीस्ट जितना भी जल्दी हो सके अगले हफ्ते तक आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सॉन्ग उससे भी जल्दी आ रहा है। जी हाँ, सॉन्ग 2 दिन बाद आ रहा है। चलिए आपको प्रूफ के साथ ही बता देता हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ, और ये सोशल मीडिया पर हर जगह आ चुका है। फिलहाल हीरे सॉन्ग का नाम है HIRIYE। जैसे हीरे नाम सुनता तो मेरे मन में एक गो गाना आ जाता है, सोनिए हीरे तेरी याद आंदी है। कोई एक पंजाबी गाना है, बहुत अच्छा गाना है। मे भी पता नहीं उसका रिमिक्स तो नहीं होगा, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई रिमिक्स सॉन्ग हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा ओरिजिनल सॉन्ग हो उतना मज़ा आएगा। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं जो समझ सक रहा हूँ कि इस फिल्म में म्यूज़िक है, भरपूर है, ट्रेलर से साफ हो चुका है। म्यूज़िक और एक्शन, ये तो बहुत कमाल की चीज़ होती है, जब साथ में मिल जाती है ना तो टाइगर जिंदा है जैसी कमाल फिल्म बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी म्यूज़िक का बहुत बढ़िया खेल होगा, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। एनीवेज, सबसे पहले इधर ये बताता हूँ कि मीत ब्रोस का म्यूज़िक है, जो बहुत अच्छे म्यूज़िक्स दे रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों में। लिरिक्स कुमार का है, सिंगर्स दीप मनी और नेहा भसीन है। दीप मनी और नेहा भसीन के बारे में थोड़ा सा बता दो, ये हमारे दीप मनी है, पंजाबी सिंगर है, और ये नेहा भसीन जो कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में इसके पहले भी गाना गा चुकी है। अब यहाँ पर चलिए वापस ले चलता हूँ आपको ये लुक पर। ये लुक अगर थोड़ा सा आप देखोगे, 2 Days 2 Go जैसे मैंने कहा रेस थ्री का है सॉन्ग है, थोड़ा सा पार्टी टाइप सॉन्ग लग रहा है हीरे, और ये पूरा सभी का लुक देख के भी नज़र आ रहा है। आसपास जो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत जो भी नज़र आ रहा है, एक पार्टी सॉन्ग होने वाला है। देखते किस तरह सॉन्ग निकल के सामने आता है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है वो आपको बता दूँ, इस फिल्म में कम से कम 3-6 गाने हैं जहाँ तक पता चले हैं हमें। और यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखो, उसमें अल्लाह दुहाई गाने के बारे में ऑलरेडी दे दिया गया, शब्बीर अहमद का म्यूज़िक है, आई मीन लिरिक्स है, यानी कि लिखा है उन्होंने। इसके अलावा म्यूज़िक जयमेट का है, सिंगर्स हैं नीरज श्रीधर, विशाल ददलानी, नेहा कक्कड़, यानी कि कमाल का सॉन्ग होने वाला है, 3 मिनट 48 सेकंड का। तो एक सॉन्ग के बारे में तो ऑलरेडी डिटेल है, ऑलरेडी बाकी और सॉन्ग्स के बारे में धीरे धीरे आ जाएंगी डिटेल्स। और यहाँ पर म्यूजिक्स देखिए, जयमेट का है, मीत ब्रोस का, विशाल मिश्रा का है, विकी राजा, शिवाय व्यास कन्फर्म। सिंगर्स जो है आतिफ असलम, कमाल खान, मिका सिंह, नीरज श्रीधर, विशाल ददलानी, सलमान खान एंड नेहा कक्कड़। यानी कि साफ साफ है सलमान खान भी गाना गाने वाले, लिरिक्स उन्होंने लिखा भी है। कुमार, हार्दिक, शब्बीर, श्लोक, शिवाय एंड सलमान, यानी कि सलमान खान। ठीक है, यानी कि साफ सलमान खान ने म्यूज़िक गाने लिखे भी है, गाने गाए भी इस फिल्म में। इसके अलावा कई और सॉन्ग होने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक म्यूज़िक का वापस एक साथ लिस्ट में बता देता हूँ। बैकग्राउंड स्कोर जो है सलीम सुलेमान का है। आपको याद होगा सलीम सुलेमान के रेस थी के बारे में कई सारे पोस्ट आए हैं ट्विटर पर, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि रेस थी पे ऊपर काम करें, रेस थी के ट्रेलर पर काम करें। अब उनका हाल फिलहाल में जो आया था उसमें साफ था कि रेस थी के फिल्म पर काम करें बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह। तो सलीम सुलेमान का बैकग्राउंड स्कोर वगैरह होगा, और म्यूज़िक जो है सॉन्ग्स वगैरह जयमेट, मीत ब्रोस, विशाल मिश्रा, विकी रियाज, शिवाय व्यास। यानी कि म्यूज़िक के बारे में बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इतने सारे लोग जब मिलकर एक फिल्म में म्यूज़िक देंगे, यानी कि म्यूज़िक की कोई कमी नहीं रहने वाली है इस फिल्म में, जहाँ तक मेरा मानना है। और फिल्म कमाल की होने वाली है। एनीवेज, फर्स्ट चीज़ इतना तो हमें सभी को क्लियर हो चुका है कि पहला गाना आने वाला है हीरे, यानी कि जो मैं एक बहुत सोच रहा था, बहुत आई थिंक एक हफ्ते पहले ही, एक हफ्ते क्या, कुछ 4-5 दिन पहले मैं सोच रहा था कि मेरे ख्याल से अल्लाह दो है सॉन्ग शायद पहला आना चाहिए, तो वैसा नहीं लग रहा है। फिलहाल हीरे सॉन्ग आने वाला है। मे बी आई थिंक मुझे जहाँ तक लॉजिक अब नज़र आ रहा है कि हीरे सॉन्ग अगर पहला आ रहा है, इसका मतलब शायद लास्ट में अल्लाह दुहाई सॉन्ग आएगा, क्योंकि फिल्म को उससे बहुत ज़्यादा बज़ मिलने वाला है। आई थिंक अगर वो लास्ट एक वीक में अगर रिलीज़ होता है फिल्म रिलीज से पहले, तो देखते क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें अभी होने बाकी है। लेकिन फिलहाल इतना साफ है हीरे सॉन्ग 2 दिन बाद आने वाला है, यानी कि आज 16 है, यानी कि 17-18 हो सकता है या फिर 19 हो सकता है। आई थिंक बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, मे बी आई थिंक 2 दिन बाद कहा जा रहा है, तो आई थिंक शनिवार को ही आएगा, 19 तारीख को या 18 तारीख को, 2 दिन बाद। एक वापस देख लें, 2 Days 2 Go, यहाँ बिल्कुल 19 तारीख को आने वाला है, यानी कि शनिवार को। आप कितने खुश हैं जो बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना ही।